हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3। और 8.3 के लिए हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो दिया है ना, ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या रिलेशन हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप लिखते हो इसको क्या कि दिस इज कॉस थीटा। अब हम थोड़ा सा इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज 90 डिग्री, और ये एंगल अगर अपना थीटा है और मैंने इसका नाम लिख रखा है कि ए बी और सी, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलिए, आपको समझ में आता है ये चीज़? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि साइन थीटा कितना हो रहा है, तो साइन थीटा आप बोलोगे कि ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। दिख रहा है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप क्या बोल सकते हो कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम यहां पे अगला यही लिख सकते हैं कि साइन थीटा, मतलब यहां लिख देता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। जिस तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया, वैसे आप पूरा का पूरा टेबल को आप प्रूफ कर सकते हो। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे आपको सारे रूल्स बता देता हूँ एंड देन फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, नाउ टैन, टैन 90 माइनस थीटा अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये हो जाता है कॉट थीटा में। फिर है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, और सेक वाला बन जाएगा यहाँ पे कॉसेक, सेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कितने कर लिए, साइन का कॉस में, कॉस का टैन में, कॉस का साइन में, टैन का इधर, कॉसेक इधर, और कॉट अगर मैं लिखूं कॉट 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा टैन थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमें ये वाला पार्ट हम लोग को याद रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इस पर एक्सरसाइज। चलिए हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि इवेलुएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब दोनों को देखो ध्यान से कि 18 और 72 मिला के कितने हो जाते हैं 90। जब भी आपको ऐसा क्लू मिले ना, तो आप क्या करो, एक को चेंज कर लो। तो मैंने चलो ऊपर साइन को ही चेंज कर लिया, मैंने लिखा कि साइन 18 का मतलब होता है 90 माइनस 72। बोलो लिख सकते हो आप ऐसा, 90 माइनस 72, कोई चेंज नहीं किया मैंने। मैंने बस क्या किया कि उसको 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना चाहता था, लिख दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन 90 माइनस ये है थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा मतलब कौन, 72। और यहाँ पे cos 72 पहले से ही था, इसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया है। सो ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो फर्स्ट हो गया ना, और सेकंड, सेकंड हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर, यहाँ पे भी देखो 26 और 64 मिला के होता है 90, दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं कि tan 90 माइनस समथिंग, जिससे कि 26 आ जाए, कितना होगा समथिंग, वो होगा 64। और नीचे मैंने एक ही को चेंज करना है, इसलिए मैंने एक को चेंज किया। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, थीटा मतलब 64, यहां भी है 64, ये और ये आपस में कैंसिल, आंसर आता है आपका 1। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं cos 48 और sin 42, 48 और 42 दोनों आपस में क्या मिलके हो जाएंगे 90, तो किसी एक को चेंज करेंगे। चलो यहां लिखते हैं cos 48 को मैं लिखना चाहता हूं 90 माइनस 42, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने यहां पे लिख दिया इस तरीके से। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा मतलब कितना 42, यहाँ पे भी है साइन 42, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। अगला फोर्थ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉसेक 31 और सेक 59 दोनों को मिला के क्या आता है, अगेन 90। क्लू आपके पास रेडी है, आप एक को बदलना चाहते हैं तो आप हो जाए, आपका हो जाएगा सेक थीटा, थीटा नहीं सॉरी सेक 90 माइनस हमने क्या लिख दिया 59, लिख सकते हैं आप 90 माइनस 59 करोगे तो 31 ही आता है ना, और यहाँ पे आ गया जैसा था वैसे ही। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो सेक थीटा मतलब सेक 59 माइनस सेक 59, अगेन आंसर जो है यहाँ पे कट जाएंगे और यहाँ पे आएगा 0। फर्स्ट ओवर, देखते हैं अब सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि टैन 48 डॉट टैन 23 डॉट टैन 42 डॉट 67 इज इक्वल टू 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आप जोड़ी देख लो कि जिसको मिला के क्या हो जाता है, जिसको मिला के 90 बनता है, तो कौन कौन है, 48 और 42 की आपस में एक जोड़ी बन गई, और एक ये वाला जोड़ी जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, ठीक है, दो टिक में से किसी एक को बदलूंगा मैं। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे कि टैन
90 माइनस 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 42 लिखा है मैंने ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया है एज इट इज, और इसको भी छोड़ देता हूँ क्योंकि एक टिक को तो मैंने बदल दिया है, तो tan 42 और क्रॉस में से इसको मैं बदल लेता हूँ, तो tan क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 23 67 आ जाता है, तो हमने 67 की जगह पे ये बात लिख दिया। अब क्या हो जाएगा देखो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो क्या आ जाएगा cot 42 डॉट, इसको तो मैंने एज इट इज छोड़ा है, इसको भी मैंने एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पे आता है tan 90 माइनस थीटा, ये होता है cot थीटा, थीटा मतलब 23, सो tan थीटा tan 23 एंड cot 23 दे आर रेसिप्रोकल्स, तो ये कट के क्या हो जाएंगे 1, ये भी आपस में रेसिप्रोकल है tan और cot, ये भी हो जाएगा 1, सो फाइनल आंसर इज 1। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम अपना RHS पार्ट। अच्छा ये वाला अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो है वो क्या है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हम लोग को cos 38 cos 52 माइनस sin 38 डॉट sin 52, तो इन दोनों में देखो कौन कौन जो है वो 90 बनाते हैं, 38 और 52 आपस में 90 बनाते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ओके दोनों में से एक को बदलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos 90 माइनस 38 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 90 माइनस 52, 38 आता है, और एक को मैंने बदल दिया है तो एक जो है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे भी मैं एक को बदल देता हूँ, यहाँ पे 52 में डील कर रहे हैं तो यहाँ भी मैं 52 में ही डील करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं कि साइन 90 माइनस 52 और यहाँ पे आ गया साइन 52, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा कॉस, कॉस है तो क्या आ जाएगा साइन 52 डॉट कॉस 52 माइनस साइन साइन कितना 52 कॉस 52 सॉरी कॉस 52 क्यों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया जैसा था वैसे ही, सेम सेम चीजें हमको दिख रही हैं, है ना, तो ये पूरा और ये पूरा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0 जो कि अपना RHS है, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। सो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला हुआ है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, तो क्या मैं tan समथिंग है मतलब tan थीटा है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2a, और यहाँ पे भी क्या है cot cot समथिंग समथिंग मतलब a माइनस 18, तो अगर दोनों की दोनों चीज़ें इक्वल हैं और दोनों cot में, इसका मतलब दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, मतलब आप लिख सकते हो कि 90 माइनस 2a का मतलब a माइनस 18 होता है, तो क्या आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 118 और यहाँ पे आता है माइनस 3a, यहाँ भी माइनस में था, माइनस माइनस कैंसिल, सो नाउ a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 और 6 3 36 डिग्री, सो आपसे क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a हमने निकाल लिया कितना है वो 36। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, बोलता है कि इफ tan a, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a इज इक्वल टू cot b, देन हम लोग को प्रूफ करना है कि a प्लस b क्या है 90 होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि tan a इज इक्वल टू cot b है, तो मैं लिख सकता हूँ कि tan 90 माइनस b cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा, लिख दिया हमने उस तरीके से। अच्छा अगर आपको पता है कि अभी अभी हमने ये चीज़ किया था कि अगर ये जो है दोनों की वैल्यू अगर आपस में इक्वल है और दोनों tan में है, इसका मतलब दोनों का एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हो 90 माइनस b, और अगर b उधर जाए तो आपको मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90, यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 ओवर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है sec थीटा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे 4a, और यहाँ पे हो गया cosec a माइनस 20, सो आपस में cosec जो है वो इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी यहाँ पे इक्वल है, एंगल अगर इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो a माइनस 20, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5a, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 110, 5 से ये कैंसिल होता है तो 52 डेट इज 22 डिग्री, a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितना है वो 22 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर फाइव ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है हम लोगों को, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन ए बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बोला कि देखो अगर ये ट्रायंगल्स के एंगल हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, 180 होगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं टू से तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। क्या मैं यहाँ पे ए अपॉन टू प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इस तरीके से लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू होगा 90 माइनस ए अपॉन टू। ओके, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने साइन लगा दिया, साइन यहाँ पे भी हमने दोनों तरफ लगा, यहाँ पे भी हमने साइन लिख दिया। तो आप देखो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन 90 प्लस माइनस समथिंग, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो थीटा मतलब यहाँ पे ए अपॉन टू, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग को बोलता है कि एक्सप्रेस 67 साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। चलिए लिखते हैं साइन 67 प्लस कॉस 75। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 23, बोलो 90 माइनस 23 67 होता है, और यहां पे लिख सकता हूं मैं कॉस 90 माइनस 15। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप लिख दोगे कॉस 23 और यहां पे हो जाएगा साइन 15। तो इसी चीज को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर लिया जिसमें कि एंगल क्या है, 0 से 45 के बीच में आ रहा है। देखो 23 है और यहां पे 15 है, और यही हमारा आंसर भी है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।